नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में स्पेस को ट्रिपल एस एन जी टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीजन से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए वैलिड है। और ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये 2 से 9 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन हैं जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियाँ बनी हुई हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, क्या फील करते हैं वो इस रिश्ते के बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी के साथ कोई छल किए, वरेव किए, धोखाधड़ी किए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, कोई चालाकी नहीं, कोई नादानी नहीं, कोई बचपना नहीं, कोई तो जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, किसी तीसरी पार्टी में इन्वॉल्व होना, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए बिना किसी चालबाजी हेराफेरी धोखाधड़ी के एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो इस रिश्ते में इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो अगर प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों तरफ से ही रिश्ते को बराबर रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, दोनों परिवारों को इक्वल समझा जाएगा, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही वो बनेगी, जो स्टेबिलिटी आएगी। और ये रिश्ता जो बर्डन और बोझ लग रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके या वन बाय वन करके एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक एक करके हैंडल करते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, जो तकदीर उनका साथ दे रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, इस एक नई पिकनिंग, एक शुरुआत तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, तो ऐसा उनको फील हो रहा है इस। तो धीरे धीरे करके अगर वो ऐसा करते हैं तो जो है इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में आएगी, बैलेंस बनेगा, दूरियां ख़त्म होंगी और भाग्य उनका साथ देगा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बोझ बर्डन लग रही है, वही उन्हें एक नया मोड़, नया अंजाम देंगी, यानी कि रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद होगी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को हील करने के लिए, मजबूत करने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी हैं और ऑप्शन भी हैं, लेकिन उन्हें उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार है, वो उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप की तरफ से कब खुशियां वापस मिलेंगी, कब ये रिश्ता इसमें कमिटमेंट वगैरह होगी, कब ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, शादी में कन्वर्ट होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, वो इस उन्होंने डिसाइड किया कि इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हील करेंगे इस रिश्ते को, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे और धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। तो
तो जब तक वो हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जिस, अगर इस रिश्ते को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें परेशान ना रहें, दुविधा में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दें। ये वादा करें, ये डिसाइड करें कि अब आगे कुछ ऐसा नहीं होगा, दोबारा से कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं आएगी और ये रिश्ता आगे सहनाइयों में सहनाइयाँ बच सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करें और इस कन्फ्यूज़न परेशानी से बाहर निकलते हुए आगे बढ़े और इस परेशानी से बाहर निकले। अगर वो उनको अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको ड्रॉप करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते, वो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसलिए इस रिश्ते में चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते में अपनी विस्टम नॉलेज गेन करते हुए वो एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि हील करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो और कामयाब हो। देख लेते हैं वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। द लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वो इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट प्रॉब्लम रही है तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें आमने सामने क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हो, ताकि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स, जो भी परेशानियाँ रही हैं जिस वजह से ये रिश्ते, ये इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है, तो अगर क्लैरिटी आएगी, समय रहते डिसीजन लिया जाएगा, वो इधर उधर भटकने के बजाय इस रिश्ते में डिसीजन लें और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आए, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम ना बनाए, समय और फ्लो के साथ चले, ज़्यादा इसमें अपने हर चीज़ को अपने से चिपका करना रखें, चाहे वो बातें हो सकती हैं, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, उनको रिलीज करें, समय के साथ फ्लो के साथ चलें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ते में अभी भी लगाव है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है, ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आगे जाकर काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से हो सकती हैं, तो इस इन चीज़ को समझते हुए वो इस रिश्ते में आगे एक यही एक्शन इसमें वो चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगर वो इसमें इसी तरह की परेशानी उलझा कर रखेंगे, इसमें डिसीजन नहीं लेंगे समय रहते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम उन्हें आती रहेंगी और ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनको लगता है कि जो भी उनके पार्टनर काम करते हैं तो काफ़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं और उस काम को कर निकलते हैं, तो इसीलिए वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस को छोड़ते हुए वो समय रहते इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रही है उसको ख़त्म करते हुए वो एक दूसरे के साथ डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में स्ट्रेस दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उन चीज़ों से चिपक कर रहेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या, यूनिवर्स की गाइड मी प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2 से 9 मार्च के लिए। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही इमोशन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत है, प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कीजिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, उस डर से बाहर निकलिए कि फिर से कभी ऐसा ना हो जाए,
तो भले ही आपके पास लाइफ में और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप इस रिश्ते को एक मौका देंगे, इस रिश्ते की गहराई तक जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो इमोशंस आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं उसे शेयर करेंगे, तो ये रिश्ता इस रिश्ते को हील करेंगे, इस रिश्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और नमस्ते, थैंक यू सो मच।